हल्द्वानी में आगामी 30 नवंबर को एमबी इंटर कॉलेज परिसर में भव्य ईजा बैंड महोत्सव का आयोजन किया जाना है, जिसका लोगो जिलाधिकारी वंदना सिंह समेत जिले के अधिकारियों द्वारा लॉन्च किया गया है। बता दें कि ईजा बैंडी महोत्सव के दौरान जिले की 713 करोड़ की 259 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। वहीं ईजा बैंडी महोत्सव में मुख्यमंत्री और प्रभारी मंत्री समेत जिले के सभी विधायक इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी क्रम में जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि उत्तराखंड की मातृशक्ति लोक कला, हस्तकला और स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 13 जिलों के 26 उत्पादों की विशेष प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसके साथ ही जीआई टैग वाले उत्पादों को भी यहां प्रदर्शित किया जाएगा और यहां ईजा बेड़ी महोत्सव में रंगारंग कार्यक्रमों के माध्यम से लोक संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक निर्देश हमारे जनपद को दिए थे कि राज्य स्तर पर महिलाओं के सम्मान में और महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की जो योजनाएं चल रही हैं, महिलाओं का जो राज्य की आर्थिकी में यहाँ के कल्चर में महत्व है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए एक हम महिलाओं को एक मंच प्रदान करने के लिए एक प्रोग्राम करें। तो इसमें हम लोगों ने इस तरह की तैयारियां करी हैं। ईजा बैंडी महोत्सव के नाम से ये 30 नवंबर को आयोजित हो रहा है एमबी कॉलेज के ग्राउंड में। तो इसमें हमारा जो प्रयास रहेगा, महिला स्वयं सहायता समूहों को विभिन्न प्रकार के एग्जीबिशन के माध्यम से, अलग अलग विभागों की योजनाओं के माध्यम से, उनके लिए जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स काम करते हैं उसको देना, महिला स्वयं सहायता समूह जो अपने उद्यम स्थापित करते हैं, अपने विभिन्न प्रकार के व्यवसाय करते हैं, उनको एक्सपोजर एक प्रदान किया जाना।